उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हर की पौड़ी पर आकर भजन करने की नसीहत दी है। हरिद्वार पहुंचे गणेश जोशी ने कनखल में हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने 2016 में उन्हें जेल भेजा था। जेल से आने के बाद उन्होंने हरीश रावत की हार को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से हारे और उसके बाद लगातार हार रहे हैं, इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी ने मुझे 2016 में जेल भेजा था, और जब मैं जेल से छुटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने दोनों जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी सीएम थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे, तो आपका बुढ़ापा आ गया, अब आपके बस का कुछ नहीं, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।